नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञान वापी पर बहुत प्रतीक्षित जो निर्णय है वो आ गया है। न्यायाधीश ने माना है कि 7/11 का मामला बनता है, पोषणिता बनती है और ये जो इसका मुकदमा चलेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए, फिर ये कह रहे थे कि जो मुकदमा चले भी तो वक्फ बोर्ड में चले, लेकिन न्यायाधीश ने बोला है कि मुकदमा चलेगा। अब इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोहन लाल आर्य जी हैं, जो ज्ञानवापी के सभी मामलों में पैरोकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कितनी खुशी की बात है निर्णय आ गया है पक्ष। यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण है कि माननीय न्यायालय में जैसे ही जो है जिला जज ने ये कहा कि यह 1991 एक्ट यहाँ पर ज्ञानवापी के प्रकरण में लागू नहीं होता और वक्फ बोर्ड भी ज्ञानवापी प्रकरण में लागू नहीं होता और हम लोग हर्षित हो चुके, प्रमोदित हो चुके थे। जो माननीय जिला जज ने प्रवेश करते हुए कहा था कि जो भी फैसला आवे दोनों पक्ष शांतिपूर्ण ढंग स्वीकार करे, कोई किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करे। इसीलिए सभी फैसलों को माननीय न्यायालय में हम लोग जैसे कहे कहे कुछ बिंदु हम पढ़ रहे हैं। मात्र 24 पेज का फैसला था, कुछ बिंदुओं को पढ़ते गए। अंत में जो फैसला उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी वाले प्रकरण में 1991 एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मुकदमा चलता रहेगा और 22 सितंबर को यह डेट दिया गया है। अच्छा, इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? मतलब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में जाएगा या मुकदमा यही चलेगा जो चल रहा है? मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में जाएगा वाली बात ही नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि कैरियर दाखिल कर चुके हैं वहाँ पर पहले ही। आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम समाज को पहले ही मालूम था कि हम हार रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं कि कैरियर दाखिल होता है, कैरियर के जो है वक्फ बोर्ड लागू ही नहीं होता। आप याद करिए मुकदमा 62/1933 में जो है वो हारे थे, फिर 1944 में जो फैसला आया उसमें भी हारे थे, उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं था। और शुरू से लेकर आज तक जितने भी मुकदमा ज्ञानवापी के मुद्दे पर हुए मुस्लिम समाज सब के सब में मोगी खाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुकदमा चलना नहीं चाहिए, तो उसका प्रयास नहीं करेंगे कि मुकदमा चले, उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाए, हमको अच्छी तरह मालूम है कि इसी मुद्दे पर लेकर हाई कोर्ट गए थे, वहाँ भी खारिज हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने जो है इस पर जिला जज के यहाँ भेजे थे कि वहाँ आप जाइए, पोषणिता के आधार फैसला होगा। तो आज फैसला हो गया है और पुनः ये जो है मुस्लिम समाज ज्ञानवापी इंतजाम मसाजिद जो कि विपक्षी जो है 4 नंबर के हैं वो हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट गए हैं। तो क्या होता है, यहाँ कहीं मुकदमा चलता रहेगा, वहाँ भी चलता रहेगा, अगर वहाँ खारिज करते हैं कोई हर्ज नहीं फिर स्टे रहेगा, देखा जाएगा फिर। मतलब वो हाई कोर्ट जाएंगे या ऊपर जाएंगे? जा चुके हैं। हाँ, पोषण वहाँ पर कैबिनेट दाखिल कर चुके हैं, वहाँ भी चलेगा और यहाँ जो मुकदमा यथास्थिति चलता रहे। और तो और जो मुकदमा चलता रहे, याचिका के अनुसार पहली हमारी मांग है जो शिवलिंग जो घेरा गया है वह उसकी दीवार तोड़ी जाए। और तो दीवार के नीचे जो तहखाने में जो 15 फीट का जो हमारा शिवलिंग है जिसको दीवारों से चिनाई चुनियाई हुई है, 4 फीट ऊपर 15 फीट नीचे यानी 19 फुट का शिवलिंग, और तो नीचे जो अर्घा है उसकी भी जो जोड़िया हो खुला जाए और ताकि नंदी हमारा शिवलिंग दोनों आपस में बात कर सके। दूसरी चीज हम जो है कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे और एक याचिका हम देने जा रहे हैं पूरे देश के राष्ट्रीय जो पत्रकार हैं उनको कि आए ज्ञानवापी मस्जिद में, मस्जिद नहीं मस्जिद में 18/1670 में जो औरंगजेब के फतवे से जो हमारा ध्वंस आराध्य स्थल तोड़ा गया और सारे देश के पत्रकार देखें किस तरह जो है साच हिंदू साक्ष्य को मिलाया गया, मिटाया गया, किस तरह हमारे आराध्य स्थल के तोड़ा गया, वो अपनी आंखों से देखें, साक्षात करें और हमारे गवाह के साक्षी बने। जी, तो मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि सरिया कोर्ट में चलना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कुछ भी कहे उनको आजादी, इस लोकतंत्र में आजादी है। आइए हम महिलाओं से जानते हैं, जो 5 वादी महिलाएं हैं उनसे जानेंगे। मैम, कैसा लग रहा है निर्णय आप लोग के पक्ष में? लग रहा है बहुत अच्छी है, न्याय का निर्णय है, हम लोग बहुत खुश हैं। न्यायालय ने क्या बोला? वो करते कि 1991 एक्ट के अनुसार मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए। देखिए, उनका जो बोलना था वो सिर्फ एक दलील थी, गलत दलील थी। न्यायालय में उन्होंने जो वर्शिप एक्ट पर बोला है तो 1947 में जो स्वरूप रहा वही कायम रहेगा। इसके लिए ट्रायल चलेगा ना, साक्ष्य सबूत आएंगे ना, जिस दौरान कमीशन शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उसको फबारा कर रहे हैं। बिना कमीशन बिना कार्रवाई के कैसे समझ में आएगा क्या है वो?
तो इसलिए इसको जीत को सामान्य जीत है, मुकदमा चलेगा तो ट्रायल का विषय है, साक्ष्य सबूत का विषय है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को, 22 सितंबर को डेट है। अच्छा, इस बीच वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं अपनी 7-11 को लेकर? देखिए, जाने के लिए तो रास्ता खुला हुआ है, जा सकते हैं, जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा चूंकि उनका तर्क नहीं था। मैडम कैसा लग रहा है निर्णय पक्ष में आया है? बहुत खुशी है, आज हम लोग के पक्ष में आया, हम लोगों ने इतिहास को रचा है, हम लोगों ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अमर हो गए हम लोग, समझ लीजिए। कैसे देखा जाए कि आधी लड़ाई जीत ली हिंदुओं ने? अभी तो ये झांकी है, बाबा दर्शन बाकी है, अभी तो ये झांकी है, बाबा दर्शन बाकी है। ये काशी का बहुत बड़ा विजय है और काशी की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस तरह से इन लोगों को धमकाया धमकाया गया था, आज उसकी विजय है। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है, ज्ञान बाप के मंदिर बैठे, ज्ञान बाप के मंदिर बैठे बैठे, ओ गड़बानी ओ गड़दानी, हाय हाय ओ गड़दान, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो मुकदमा चल रहा था, जो मामला चल रहा था कि मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि मामला बनता ही नहीं है, तो न्यायाधीश ने बोला मामला बना है और इसकी सुनवाई जो है 12 सितंबर को अगली डेट पड़ी है, उसके बाद जो होगा वो होगा ही, आपके सामने हम लेके आएंगे। सर कैसे देखते हैं निर्णय आया है, कितना बड़ा जीत है हिंदुओं का? ये देखिए, कितना बड़ा या छोटा का नहीं है, क्या है, चतुर्दिक वातावरण आज बदला हुआ है, खुशगवार मौसम बना हुआ है, तपन का कोई असर नहीं है, ये चतुर्दिक यह वातावरण प्रकृति कह रही है कि बाबा की विजय सुनिश्चित है। उस दिशा में प्राथमिक चरण पूरा हुआ है, जो वैधानिक अवरोध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 के माध्यम से इस वाद पर अवरोध लगाया गया था, वह निरस्त कर दिया, वाद की अब अग्रिम कार्यवाही अंतिम चरण तक चल सकती है। ये एक अलग बात है कि हो सकता है उच्च न्यायालय जाएं, सर्वोच्च न्यायालय जाएं इस आदेश के विरुद्ध। फिलहाल बनारस कचहरी सैकड़ों साल बाद ऐसे ऐतिहासिक हर्ष भरे पल की साक्षी बन रही है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जो कह रहा था कि 1991 के एक्ट के तहत मुकदमा चलना नहीं चाहिए, तो न्यायाधीश क्या हुआ न्यायालय में उसके विषय में? देखिए, उस पर तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने ही पिछले ही आदेश में कह दिया था कि जो 1991 का अधिनियम है वह इस बात को निर्धारण करने के लिए नहीं रोकता है कि क्या स्वरूप था, और इस वाद में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्वरूप परिवर्तन किया जाए। जो कुछ है उसमें जो परंपरागत रूप से हमारे पूजन कार्य होते चले आ रहे हैं उनको करने दिया जाए, जो 92-93 में बैरिकेटिंग इत्यादि के माध्यम से अवरोध लगाया गया है उसे हटाया जाए। अगला आप प्रसाद बना ले बा? हो गल प्रसाद क्यों नहीं लेंगे, और आपको भी खिलाएंगे। अरे हमारी तो जान जाने से बची है। अच्छा भैया, आगे क्या कार्रवाई? मैं खुद हूँ, आगे क्या कार्रवाई होगी? अगर आगे कार्रवाई यह होगी कि यदि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई स्थगन कार्रवाई में नहीं लगता है तो वादोत्तर उनका आएगा, उस पे वाद बिंदु की संरचना की जाएगी, तत्पश्चात साक्ष्य आमंत्रित होगा और निर्णय की ओर अग्रसर होगी। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जिसके विरोध में भी जा सकता है, हाईकोर्ट के 7-11 पे ही भी जा सकता है क्या? हाँ, यह इसके विरुद्ध वह निगरानी कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं कि मतलब जो निर्णय आना था तो उसको लेकर धारा 144 लगानी पड़ी पूरे बनारस में? यह मैंने कल भी कहा था कि ये बड़ा दुखद है, न्यायिक प्रक्रिया से कोई कार्य हो रहा है तो उसमें अशांति की बात सोचना मुझे नहीं लगता है कि कोई अशांति उत्पन्न करना चाहेगा, न्यायिक प्रक्रिया से चल रही है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष तो यह कह रहा था कि इसकी जो सुनवाई है सरिया कोर्ट में चलनी चाहिए, जहाँ पे अधिवक्ता भी मुस्लिम हो, और सरिया कोर्ट कहाँ पे? मुस्लिम पक्ष का कुछ वैधानिक बिंदु उठाए गए थे। एक तो 1936 में निर्णय हुआ था जिसमें हिंदू पक्षकार नहीं थे, मुस्लिम पक्षकार ने मुकदमा दाखिल किया था और सरकार को पार्टी बनाया था,
वह उसमें वक्फ घोषित करने की मांग हुई थी, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी ये घोषित नहीं हुई थी। मुस्लिम पक्षकार कह रहा था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी निर्णय में किसी भी कार्रवाई से घोषित नहीं हुई है। गजेटियर को भी तो दिखाया गया आज, वो गजेटियर तो फर्जी था। अब बात ये रह जाती है कि उनका कहना था कि हमारा नमाज पढ़ने का अधिकार है, तो उसका निर्धारण यह मुकदमा करेगा जो अंतिम निर्णय होगा। लेकिन मुकदमा न चलाने की बात, इस पर सेटल्ड व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, कई रूलिंग्स आ चुकी हैं, प्रतिपादित है सिद्धांत कि यदि हिंदू और मुस्लिम पक्ष में वक्फ प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई विवाद होता है तो सिविल कोर्ट ही देखेगी। उनका कहना ये था कि वक्फ संपत्ति है ये, इसलिए वक्फ बोर्ड में जो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है उस वहाँ सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित विधि है कि ऐसा नहीं है, मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में वक्फ संपत्ति के लिए यदि विवाद होगा तब तो वह ट्रिब्यूनल जो न्यायाधिकरण बना हुआ है वक्फ बोर्ड कानून के एक्ट के अंतर्गत वहाँ विचार हो सकता है, ऐसा नहीं जिसमें दूसरा पक्ष अन्य मताव धर्म का है। अच्छा, ये बताइए, पूजा के अधिकार की भी मांग हो रही है, कार्बन डेटिंग की भी मांग हो रही है, तो ये 7-11 तो हो गया, तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो उसकी मांग अभी होगी कि 7-11? पूजा के अधिकार का की मांग तो आज भी वह पूजन चल रहा है, श्रृंगार गौरी का, गणेश जी का, यह पूजन तो निरंतर चल रहा है। उसको नियंत्रित किया गया था 92-93 में बैरिकेड लगा के कि वर्ष में एक दिन पूजन होगा। यह वस्तुतः यह जो कार्य था यह 1991 के अधिनियम का उल्लंघन था, तो यह अनुमति तो मिलनी चाहिए कि नियमित हम लोग श्रृंगार गौरी का पूजन करें, गणेश जी का पूजन कर सकें। मतलब मामला चलता रहेगा और पूजन होता रहेगा, ऐसा कुछ है? स्वाभाविक है, अंतरिम आदेश इस आशय का आना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।